हाय मेरी एवेंजर्स आर्मी, मैं अपने चैनल अमन पठन मित कथन पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे टेंस का चौथा पार्ट। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने करा दिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहने वाली चीज़, और काल टेंस का मतलब होता है काल, समय। मतलब कि ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट में अभी कंटिन्यू हैं, जारी हैं, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रहना, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगी। अब इनको पहचानेंगे कैसे कि ये किस टेंस के वाक्य है? तो इनके वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इनमें समय अवधि नहीं दी होती, ड्यूरेशन नहीं दी होती कि कब तक ये काम हो रहा है। बस ये बता दे रहा है कि वो पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ा रहा है तो कब तक उड़ाएगा कोई भी डेफिनेट नहीं, सिर्फ कंटिन्यू वो कर रहा है, अभी वो कर ही रहा है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, ही सी इट के साथ इज का यूज़ करेंगे, ये बात याद रखना है, और आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करेंगे, और यू वी दे के साथ हमेशा आर का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब देखिए, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, सिंगुलर के साथ इज का और प्लूरल के साथ आर का, और आई के साथ एम का, सबसे आसान सा तरीका। अब आते हैं सबसे पहले वाले सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। मैं बार बार ये बताता हूँ, सकारात्मक का मतलब जिसमें पॉजिटिविटी की बात हो। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं फ़ोन खरीद रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारे जो होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर, जो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इज, एम या आर का यूज़ करेंगे। वर्ब का जो होगा वो फोर्थ फॉर्म का मतलब जिसमें आई एन जी जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब आई एन जी और उसके साथ होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसानी समझेंगे। वह खाना खा रहा है, तो वह सब्जेक्ट है ही। अब सिंपल सी बात है, ये सिंगुलर है, या फिर सिंगुलर से इज लगा लीजिए, या तो यहाँ पे देख के इज लगा लीजिए। ही सी इट है, उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? इज, तो ही इज। अब क्या है, वर्ब आएगा, वर्ब क्या है? खा रहा है, तो ईट, और ईट के साथ क्या करेंगे? आई एन जी जोड़ देंगे आगे, तो ही इज़ ईटिंग। खाना का मतलब क्या होता है? भोजन, फूड। ही इज़ ईटिंग फूड, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फूड है। क्लियर है? अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या यूज़ करते हैं? आई, और सब्जेक्ट सबसे पहले, तो आई। अब हूँ, रहा हूँ, सबसे पहले ये देखिए कैसे सेंटेंस पता करेंगे, रहा है आ रहा है, रहा हूँ आ रहा है, और रहे हो, ठीक है, मतलब रहे हो भी होगा इसमें, रहे हो, जहाँ भी रहा, रही, रहे ऐसे आएंगे वाक्यों की क्रिया के अंत में, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम, आई एम। अब क्या होगा, ये वर्ब है, तो वर्ब में क्या होगा? टीच, आई एम टीच। अब आई एन जी जोड़ देंगे इसमें, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट। ठीक, बच्चों को तो चिल्ड्रन लगा लेते हैं, स्टूडेंट, आई एम टीचिंग टू चिल्ड्रेन। अब तुम घर जा रहे हो, अब इस टाइप का वाक्य, तुम घर जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है? यू है, तो यहाँ पे लिख लेंगे यू, और यू वी दे के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, कोई परेशानी नहीं, यू आर। अब जा रहे मतलब वर, तो गो, और उसके आगे क्या लगा देंगे? आई एन जी। यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो? टू होम, ऑब्जेक्ट है मेरा, यू आर गोइंग टू होम। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं ऐसे ही बनाते हैं, मैंने सारी चीज़ इसमें डिटेल दे दी है। अब बढ़ते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ, अफर्मेटिव पढ़ लिया, निगेटिव में क्या डिफरेंस होता है अफर्मेटिव निगेटिव में? कि निगेटिव में हम इज, एम, आर, वर के बीच में नॉट लगा देते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस है। और ऐसे वाक्य में नहीं का यूज होता है, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, ऐसे वाक्य जो होते हैं वो निगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर और नॉट, और फिर वर्ब आई एन जी फॉर्म, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर का मैंने ऊपर बता ही दिया, इज कब यूज़ करेंगे, एम कब यूज़ करेंगे, आर कब यूज़ करेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिया है, मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूँ,
तो इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, तो आई लगा देंगे। इज एम आर, तो आई के साथ सबको पता है कि एम का यूज होता है, आई एम। उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट। वर्ब, वर्ब क्या है, देखना, देखने के लिए सी, और उसके आगे क्या करेंगे, आई एन जी का यूज़ कर देंगे, सीइंग। और उसके बाद से क्या है, तस्वीर, ऑब्जेक्ट है, तस्वीर नहीं देख रहा है, तो सीइंग द पिक्चर। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, आगे वाले सेंटेंस, ये लास्ट हमारा टॉपिक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाएँ। इंटेरोगेटिव सेटिंग का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें प्रश्न पूछे जाएँ। कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, यहाँ पे 5 टाइप के केस दिए हुए हैं। तो प्रश्नवाचक सबसे पहला वाक्य क्या होता है, जिसका हाँ या ना में जवाब दिया जा सके, जिनकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्दों से होती है, जैसे क्या, सिर्फ क्या से शुरू हो, ठीक है, क्या से शुरू होता है, सिर्फ जैसे क्या से ही शुरू हो, क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह गाना गा रहा है, क्या वह घर जा रहा है, क्या वह फूल तोड़ रहा है। तो ऐसे शब्द जिनको हम हाँ या ना में जवाब दे सकें, ऐसे शब्दों के लिए केस नंबर फर्स्ट यूज करेंगे। तो क्या मैं पत्र लिख रही हूँ, तो क्या मैं, सबसे पहले मैं जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, और आई के लिए हम हमेशा लगाते हैं एम। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम एम से, एम के बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो एम आई। वर्ब क्या है, लिखना, तो राइट, ठीक है, राइट। अब राइट के आगे आई एन जी जोड़ देंगे। एम आई राइटिंग, आई एम आई राइटिंग क्या लिख रही है, पत्र। एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। केस नंबर फर्स्ट हो गया हमारा ख़त्म। अब बढ़ते हैं केस नंबर सेकेंड की तरफ। अब केस नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड केस हो या कोई भी केस हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें प्रश्नवाचक में निगेटिव आए, जैसे कि क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, वह क्यों नहीं जा रहा है, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, अगर ऐसे सेंटेंस का हम वाक्य बनाते हैं, टेंस बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो सेकेंड नंबर के केस का स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। वे, वे का मतलब क्या हुआ कि ये दे, इसका होता है दे, और दे के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं आर का, क्योंकि वे बहुत सारे लोग हैं, मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे आर का। आर सब्जेक्ट क्या है, दे, आर दे। दे के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, अगर नहीं दिया होगा तो नॉट लगाएंगे, आर दे नॉट। वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, और प्ले के आगे जोड़ देंगे हम आई एन जी। आर दे नॉट प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्लियर। तो ये हो गया आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये सेकेंड स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। क्या भी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के थ्रू हम क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, वे है प्लूरल है तो आर, उसके बाद से सब्जेक्ट आ जाएगा दे, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है, खेलना, तो प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे केस नंबर थर्ड की, अब बढ़ते हैं केस नंबर थर्ड की तरफ। केस नंबर थर्ड क्या कहता है, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब ऐसे प्रश्न जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सके, जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह विद्यालय क्यों जा रहा है, वह घर क्यों जा रहा है, वह बाजार क्यों जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। जैसे एक मैंने सेंटेंस लिया, वे कहाँ जा रहे हैं, ओके, तो ये केस नंबर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक। तो केस नंबर थर्ड में जो स्ट्रक्चर है उसको हम यूज़ करेंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स का मतलब क्या होता है, वेन, वाई, वेयर, वाट, तो इसलिए मैंने डब्ल्यू एच वर्ड लिखा है। तो वे कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं उसका कहाँ के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेयर, वेयर। अब वेयर के बाद क्या आएगा, इज एम आर, तो इज एम आर किसके थ्रू लगता है, सब्जेक्ट के थ्रू, तो सब्जेक्ट क्या है, वे, दे, तो दे के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, सिंपल सी बात है, वेयर आर। अब आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मेरा दे। उसके बाद आएगा वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना, तो वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इंटरोगेटिव साइन, क्लियर। अब आते हैं केस नंबर फोर्थ पे, अब बढ़ते हैं केस नंबर फोर्थ की तरफ। हर बार केस नंबर फोर्थ पे मैंने इसी को रखा है, कई बार ऐसा हो सकता है, कहीं और आप वीडियो देखेंगे तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, सीरियल वाइज नहीं होता है, मैंने अपने शिक्षानुसार ये किया है, सुविधानुसार। देखिए, तो अगर फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या है, जिसमें कितना, किसका,
ठीक, कौन सी, ऐसे अगर वाक्य आए, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो वह कितना पानी पी रहा है, तो कितना पानी पी रहा है तो कितना के लिए हाउ मच या हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। हाउ मच कब यूज़ करते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, और हाउ मैनी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हाउ मच, हाउ मच। अब कितना पानी, तो नाउन जो है ये किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। तो कितना पानी, तो पानी का मतलब क्या हुआ, वाटर, हाउ मच वाटर, पानी को हम वाटर बोलते हैं। तो हाउ मच वाटर, देखिए हाउ मच लगा लिया, फिर नाउन जो था वाटर लगा लिया, अब इज एम आर लगाएंगे। तो इज एम आर वह के हिसाब से वह क्या होगा, इज होगा, हाउ मच वाटर इज, अब सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इज ही, उसके बाद वर्ब का आई एन जी, तो पीना, तो ड्रिंक, और ड्रिंक के आगे क्या लगा देंगे, आई एन जी। तो हाउ मच वाटर इज ही ड्रिंकिंग, क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं, वह कितना पानी पी रहा है, तो कितना पानी मतलब कितना के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई वो नाउन है इसका, तो कितना, हाउ मच या हाउ मेनी, तो पानी अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, तो हाउ मच लगाएंगे, और उसके साथ पानी का वाटर। अब वह क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के थ्रू ही इज एम आर लगाएंगे, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, हाउ मच वाटर इज, अब क्या होगा, वह के लिए ही, और पीना, पीना का ड्रिंक और आई एन जी जोड़ देंगे, ड्रिंकिंग। अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे टाइप का, तुम किसका पत्र पढ़ रहे हो, तो किसके के लिए, किसका के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, हुज, क्या यूज़ करते हैं, हुज। अब किसका के साथ पत्र है, तो हुज लेटर, ये नाउन है, हुज लेटर। अब तुम के साथ क्या लगाते हैं, हम आर लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो हम लगाएंगे आर। स्ट्रक्चर देखते रहिए, स्ट्रक्चर देख के बनाएंगे, श्योरिटी है कि आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, हुज लेटर आर। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, हुज लेटर आर यू, अब क्या होगा, पढ़ रहे, वर्ब, तो रीड, और रीड के साथ क्या हो जाएगा, रीडिंग, आई एन जी जोड़ देंगे, हुज लेटर आर यू रीडिंग। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, केस नंबर फिफ्थ। अब लास्ट है हमारा केस नंबर फिफ्थ, जिसमें हु का यूज़ करते हैं। ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, उसे कौन पीट रहा है, तो ऐसे जब सेंटेंस आएंगे इंटरोगेटिव, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, तो सबसे पहले कौन, कौन के लिए क्या लगाएंगे, हु, और हु जो होता है हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा, तो हु जो होगा, कोई भी होगा तो अकेला ही होगा, अकेला होगा तो इसका मतलब इज लगेगा, हु इज, हु इज, खटखटाना का क्या होता है, नॉक, के एन ओ सी के, हु इज नॉक। अब क्या होगा, नॉकिंग, आई एन जी जोड़ेंगे ना, हु इज नॉकिंग द डोर, क्या नहीं खटखटा रहा है, डोर, डोर खटखटा रहा है, तो हु इज नॉकिंग द डोर, क्लियर। ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आए तो जोड़ दें, ना आए तो ना जोड़ें, और क्वेश्चन मार्क जो होना चाहिए वो एकदम होना ही चाहिए। अब एक बात बतानी थी नोट में, कि अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव कभी भी अगर सेंटेंस आता है, तो आप उस नॉट को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही रखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और जब हु वाले वाक्य बनाएंगे तो हु को ही सब्जेक्ट मान के, और उसके आधार पर क्या करेंगे, हम टेंस को बनाएंगे। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तब तक के लिए बाय।